विधायक जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं चतुर्भुज प्रसाद बोल रहा हूँ, आर नगर, भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री। विधायक जी, विधायक जी जरा आपसे एक रिक्वेस्ट था, एक काम था। अपने विधायक से क्यों नहीं बताते? नहीं नहीं, गोरखनाथ क्षेत्र का मामला, इसलिए विधायक जी आपको जो है फोन करना पड़ा। बताइए बताइए विधायक जी। हमारे अलीनगर में हमारे रमेश जायसवाल जी हमारे भैया हैं, रामनगर में गोरखनाथ के पीछे रामनगर जी, वहाँ पे उनके एक रिश्तेदार रहते हैं जी, सुभाष जायसवाल। उनके घर में जो है उनकी जवान जवान लड़कियां हैं जी, और वहीं पे एक ठाकुर परिवार रहते हैं जी। सर ठाकुर परिवार नहीं रहते हैं, परिवार रहते हैं। हाँ ठाकुर परिवार रहते हैं, भाजपा में रहते हैं, ठाकुरों की सरकार चल रही है जी। और आप ठाकुर परिवार की बात कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं गलत वो? हाँ तो वही सर, बनियों की सरकार कभी चलती है सर? जरा ठाकुर ठाकुरों से ठीक से रहिए, ठाकुर परिवार मत कहिए, डर के रहिए उनसे। आगे बताइए सर। तो जो है लड़कियां उनके, जैसे जायसवाल जी के परिवार में लड़कियां हैं, और कई दो तीन चार महीनों से ये लोग बदतमीजी कर रहे थे सर। और उसके बाद जो है परसों जो है रिश्तेदारी होने के नाते रमेश जायसवाल जी और इनके लड़के गए समझाने के लिए, और समझाने गए रात में 8 बजे की बात है, और समझाने गए तो मारपीट लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें प्रिंस रमेश जायसवाल जी के लड़के प्रिंस जायसवाल जी का पूरा शकल भी फट गया और सर भी फूटा है, उधर भी चोटें आई हैं। लेकिन एसओ साहब, गोरखनाथ एसओ साहब एक तरफ के एप्लीकेशन को लेकर के एक तरफा कार्रवाई कर रहे, बात करने पे कह रहे हैं कि ऐसा है, हमको आप सिखाएंगे कैसे कार्रवाई करना है। कौन है एसओ वहाँ? सर एसओ साहब का तो नाम हम नहीं जान पा रहे हैं। अच्छा, राम आज्ञा सिंह नाम है। क्या आपको सबूत है कि वहाँ सचमुच छड़कानी हुई है? सर वो लड़कियां हैं, जो लड़कियां हैं और उनके परिवार के लोग ही जो कहेंगे वही तो सब समझ में आएगा। नहीं तो अब तक छिड़कानी को लेके आपने कोई शिकायत किया था? सर परिवार की बात, परिवार की लाज लज्जा, फिर बताइए मार होने के जब बाद आपने, कब 4 महीने से छिड़कानी हो रही थी सर, और आज आप आरोप लगाएंगे तो कोई मानेगा? सर 2 दिन से बैठाए हुए हैं, कोई कार्रवाई अभी तक सर नहीं हुआ। हमारी बात आप समझने की कोशिश करो जी सर। वहाँ दो पक्षी लड़ाई हुई, जायसवाल जी बनाम ठाकुर साहब जी। जी सर ठीक है जी सर। अब जायसवाल जी कह रहे हैं कि 4 महीने से हमारी लड़की छेड़ी जा रही थी जी सर, तो 4 महीने से जायसवाल जी कर क्या रहे थे, क्यों नहीं शिकायत किया था उन्होंने? सर लोक लाज की लज्जा से, और सर बात लोक लाज है तो लोक लाज करिए, फिर पुलिस तो कहेगी ना कि आज आप पेशेबंदी कर रहे हैं। जी सर जी सर, पुलिस तो ये कहेगी ना कि आज मार हो गई आप लोगों की जी सर, तो आप जी जबरन सर घर की लड़कियों को बीच में ला रहे हैं जी सर। आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात सब मान रहे हैं सर, वही पुलिस कह रही होगी जी सर। तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि लड़कियां छेड़ी गई हैं? सर अब जो जैसे सर अब जानते हैं यहाँ कितनी बड़ी लड़कियां हैं है? नहीं पारिवारिक और व्यवहारिक कहने से नहीं चलता लड़ाइयों में जी। कितनी बड़ी लड़कियां हैं? कितनी बड़ी लड़कियां हैं? 24-25 साल की बच्चियां हैं सर। वो बयान देंगी? हाँ सर बयान देंगी। वो क्या लड़कियां हैं? दो लड़कियां हैं सर। दोनों बयान देंगी कि हाँ छेड़खानी होती थी? हाँ सर बयान देंगी। वो कितनी बार छेड़ी गई हैं? 3-4-5 महीने से सर यही मामला चल रहा है सर। इन दोनों लड़कियों का बयान लिखवाइए एसएसपी के नाम से। जी सर लिखवा रहे हैं, इन दोनों बच्चियों का नाम बयान। इन दोनों लड़कियों की ओर से अलग अलग चिट्ठी लिखवाइए एसएसपी के नाम से। जी सर चिट्ठी में लिखवाइए कि इस प्रकार से हमसे छिड़कानी हो रही थी, नंबर एक। हाँ हम लोक लाज के नाते चुप बैठे थे जी सर, जब बर्दाश्त नहीं हुआ है तो हमारे घर के लोगों ने विरोध किया है जी सर। जो छिड़कानी कर रहे थे उनको नामजद कराइएगा, बिना नामजद नहीं जी सर। उसके बाद कहिए कि हमारी मारपीट हुई है तो गोरखनाथ का थाना जो है छेड़खानी करने वालों के साथ खड़ा है जी सर। ऐसी चिट्ठी एसएसपी के नाम से लिखवाइएगा, आप एसएसपी के गेट पर जाइएगा जी सर, समझ गए जी सर। और हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम चिट्ठी पढ़ेंगे, तब हम फोन करेंगे एसएसपी को, नहीं तो नहीं करेंगे जी सर। जी सर ठीक है। हाँ ठीक। अच्छा प्रणाम सर।
पहले आप चिट्ठी लिखवाओ। हाँ सर। दोनों लड़कियों की अलग अलग, दोनों लड़कियों की दस्तखत कराओ जी और उस पर किसी का मोहर लगवाओ किस वकील का। जी सर। तुम लोग बनियों की तरह लड़ते हो, तुम लोग की लड़ाइयाँ मैं कभी नहीं लड़ सकता। ठीक करते हैं तुम्हारे छात्र को लड़ते नहीं हैं सर, मैं आपके साथ शुरू से रहा हूँ। तुम लोग की सब नौटंकी भाजपा में मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, देखिए वो तो दूसरी बात है, लेकिन सर ये जान लीजिए राजीव रंजन गुलामी करना, गुलामी करना तुम लोग के खून में है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा वो करो। जी सर। दोनों की दो अलग अलग चिट्ठियाँ बनेंगी। जी सर। आरोप लिखित रूप से लगाए जाएंगे, कौन कौन लड़के कब कब से छेड़ रहे हैं। जी सर। और फिर बताया जाएगा कि एसओ फलाना है। जी सर। नाम में कहना ना पड़े, मालूम रहे कि वो आरोपी भी सिंह है और ये थानेदार भी सिंह है, समझे। ठीक है सर। ऐसी चिट्ठियां स्पष्ट रूप से सिंह का बिना उल्लेख किए कि वो ठाकुर है। जी सर। लेकिन उनका नाम अगर राधा मोहन सिंह है तो वो है ना। जी सर। उसको छिपाने की भी जरूरत नहीं है। जी सर। पूरी चिट्ठी लिखो, कई कापी बनाओ, आज ही एसएससी को देना है, आज ही अखबारों में देना है। जी सर। ठीक है। लड़ोगे तब हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो नहीं। सर मैं लड़ूंगा और आपके साथ ही देखता हूं। आप हमारे साथ, हम आपके साथ रहेंगे सर, वो सब हम देखते हैं। चलो अच्छा सर, प्रणाम।